देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, The quadratic equation whose roots are 1 minus root 2 and 1 plus root 2. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो ये इक्वेशन होती है। तो आपको क्या करना होता है, अगर रूट्स दिए हैं तो आप उन रूट्स का सम निकाल, तो अगर इनका सम निकालेंगे तो मैं आपको देखो रूट टू से रूट टू और वन से वन, तो सम आ जाएगा टू। और अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वन माइनस रूट टू वन प्लस रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन, इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका हो। एक क्वेश्चन और देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक तरह से डरा रहा है या बेवकूफ बना रहा है ये वाला क्वेश्चन। इसमें हम कोशिश करते रहेंगे कि इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। आपसे कह रहा है एक्स वाई 12 है, वाई जेड 20 है, एक्स जेड 15 है, आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड बताओ। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड, तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20 इंटू 15 ऐसे। अब होगा क्या, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया, अगर आप देखेंगे तो इसका अंडर रूट ले लीजिए। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो वो सीधा एक्स वाई जेड आ जाएगा, यही आंसर करना था। अब इसका अंडर रूट लेंगे जैसे आप, तो इसका भी अंडर रूट ले लीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ, हम इसे 3 × 4 कर दें, इसे 4 × 5 कर दें, इसे 3 × 5 कर दें, अंडर रूट जब आप लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 5 = 16, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम एक्स वाई जेड निकालते तो टाइम ज्यादा लगे। एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है सीधा, अगर आपको मालूम हो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हमारे पास, मैं आपको तीन फॉर्मूले लिखवा दूं तो उससे आपको याद रहेगा, 1 + 2 + 3 + n, तो ये एन नेचुरल नंबर्स का सम है, ये होता है n × n + 1/2। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, फिर होता है 1³, 2³, 3³, n³, इसका स्क्वायर होता है n² n + 1 / 2 का 4 स्क्वायर। इसका आंसर था हमारे पास n/2 n + 1। एपी से भी फॉर्मूले से होता है, नहीं तो इनको याद रख लीजिए। ये एपी का ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, देन द नंबर्स आर,
अब जैसा इस तरह का क्वेश्चन दिया है, सॉल्व नहीं करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको चेक कर लो। हमसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर इज 27, तो इसका सम देखिए कितना है, 27 है, 27 है, इसका नहीं है, इसका भी है। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट इज 504, तो अब इनका प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे 504 किसमें हो रहा है, तो इसमें नहीं आएगा, ये तो पहले ही मना कर चुके हैं। इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आप सिर्फ चेकिंग करने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 58 जा 44 जा तो ये जीरो से एंड होगा, ये 8 से एंड होगा, तो आंसर आ रहा है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर से ही। एक क्वेश्चन और है ये एपी का, द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एपी इज हूज nth टर्म इज 3n-1। तो आपके पास क्या दे रहा है, सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एपी आपसे पूछ रहा है, हूज nth टर्म इज 3n-1। तो अगर सम निकालना है सम ऑफ 30 टर्म्स, तो आपके पास होना चाहिए n/2, ठीक है, a प्लस l से भी काम चल जाएगा। तो अगर इसमें a रखते हैं 1, तो 3 बन जाए 3-1 2 आ जाएगा, और 30 रख दें तो 33 जा 90-1 89 आ जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए 30/2। आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा है, सम ऑफ 30 आ तो रहा है 5 से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।